हेलो, हाय, हाउ आर यू? हाय, तुम सुनाओ क्या हो रहा है। तुम्हारी पोस्ट देखी है अभी मैंने। यूनिवर्सिटी में बड़े मजे चल रहे हैं। हाँ, कहा तो तुम्हारे कुछ अता पता नहीं था और अचानक से तुम यूनिवर्सिटी पहुंच गई। गायब कहाँ होना यार, मैं बस अपने दादू के घर पे आई हुई थी। यहाँ पे सेटल हो गई हूँ तो इसलिए अब सोचा स्टडीज कंटिन्यू कर लूँ, इसलिए एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये दादू का घर कहाँ से आ गया? पहले तो तुमने मुझे कभी नहीं बताया इसके बारे में। आ नहीं गया, पहले से था, और तुम सबसे जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, ये सब बहुत इंसिस्ट कर रहे थे इसलिए यहाँ पे आ गई और स्टडीज कंटिन्यू करना शुरू कर दी। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया तुम्हारे लिए। खैर, तुम बताओ तुमने कैसे कॉल की? भाई, तुम्हारी पोस्ट देखी थी मैंने तो सोचा तुमसे बात कर लूं। और इसका मतलब ये है कि तुम्हारे इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं है और तुम हमें भूल जाओगी। हाँ, फिलहाल तो यही प्लान है कि मैं यहाँ पे रहूँ, लेकिन यू नो आई मिस यू ऑल। मैं तुम सबको बहुत याद करती हूँ और यूनिवर्सिटी में अभी तक मैंने कोई फ्रेंड्स भी नहीं बनाए। तुम सबको, हमारी पार्टीज, हमारा घूमना फिरना, चिल करना, मैं सब बहुत मिस करती हूँ। तुम बताओ वहाँ सब ठीक है, सब सही चल रहा है? यार, मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही बोरिंग हो गई है। यूनिवर्सिटी में कोई मज़ा नहीं रहा जब से तुम गई हो। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं कराची आ जाऊँ, फिर हम लोग कुछ पार्टी शार्टी करें। मेरे दोस्त का वहाँ फ्लैट है, कुछ गेट टुगेदर करें फ्रेंड्स में। हाँ, दैट्स रियली गुड। ओके, तो फिर आ जाओ। चलो, फिर हो जाए कोई अच्छी सी पार्टी। चलो, परफेक्ट हो गया ये तो। बस ठीक है, तुम जैसे कराची आओ ना, तुमने बस मुझे बताना है, हम मिलते हैं। ओके, वापस, सी यू, बाय। ओह थैंक गॉड, थोड़ी पार्टी शार्टी करूँगी तो यू नो दिमाग ठीक होगा।